कांग्रेस का आज बड़ा प्रोटेस्ट है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए हैं और कांग्रेस कार्यालय से सीधे तौर पर रवाना हुए हैं और यहाँ से ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहाँ पर निकले हुए। ये माना जा रहा है कि तमाम मुद्दे ऐसे हैं, उन मुद्दों को लेकर के अजय राय की अगुवाई में पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निकले हुए। सर, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर? ईडी ऑफिस को घेरने चल रहा है, पूरे देश में ईडी का घेराव है और जेपीसी की मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करें और सेबी प्रमुख को पूरा एक्सपोज किया जाए और सेबी प्रमुख से इस्तीफा लिया जाए। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही। अब सरकार पूरी तरीके से खुद मिली है, मेरा आरोप है सरकार मिली है तो कैसे करेगी? आप जेपीसी का गठन करिए, हमारी मांग है। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर ईडी ऑफिस का घेराव कर रही है। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर नहीं मानती तब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? हम निश्चित तौर से सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर उतर के इसका जमकर विरोध करेंगे और सदन में भी विरोध करेंगे। बात करने के लिए तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है कि हम सड़कों पर उतरे हुए हैं और अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो वो फिर से सड़क से लेकर सदन तक में इसका पूरा जो विरोध है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और आज सड़कों पर पूरे देश में कांग्रेस निकली हुई है। कैमरा पर्सन शिवमानंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।